दिन क्या खूब कहा है, दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का परिवार जीवन कैसे रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज शनिवार है, शनिदेव महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा शनिदेव महाराज आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि जिनके पास होती है पांच चीजें उनका बुरा समय भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जी हाँ दोस्तों, सुख दुख जीवन के साथ ही हैं, हर किसी के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन कई लोग इस बात को जानते हुए भी इन परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार नहीं करते हैं। ऐसे में जब उन पर दुख यानी कष्ट मिलते हैं तो वे दुखी हो जाते हैं। आज चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में बताया है कि किन गुणों वाले लोगों का बुरा समय भी कुछ नहीं बिगड़ पाता है। दोस्तों ये लोग दुख की स्थिति सामान्य स्थिति तक अपने गुणों के कारण पहुंचते हैं। जानी दुख के दोनों का सामना करने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण का होना जरूरी है। नंबर एक धैर्य। जी हां दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपने इस गुण के कारण व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल दिनों को भी आसानी से पार कर लेता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा वर्तमान बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। नंबर दो धन। जी हाँ दोस्तों, आज चाणक्य का मानना है कि दुख के समय में धन व्यक्ति की रक्षा करता है, इसलिए पैसे संचय यानी बचत करने की आदत सबकी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में बचत की आदत होती है वह दुख के समय को आसानी से पार कर लेता है। नंबर तीन फैसला लेने की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, नीति शास्त्र के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को सही फैसला लेना आना चाहिए। जल्दबाजी आवेश में आकर कोई फैसला ना लें। नंबर चार आत्मविश्वासी। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जब बुरा समय आता है तो लोग साथ छोड़ जाते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति मुश्किल समय को भी पार कर सकता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति का बुरा समय भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। नंबर पांच ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि बुरे दौर में ज्ञान यानी विद्या लड़ने की ताकत होती है। ज्ञानी व्यक्ति निश्चित तौर पर एक दिन सफलता पाते हैं। दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों आज कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है चार। अब बात करते हैं दोस्तों आज कन्या राशि वाले के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन आई जानते हैं। कन्या राशि वाले आए आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है क्योंकि अच्छा बुरा सब इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्याएं दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और सही सोचने को इंसान को आलोकित करता है। जेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। परिवार किसी महिला सदस्य की सेहत चिंता की वजह बन सकती है। आपका साहस आपको प्यार दिलाने में सफल रहेगा। आज का दिन फायदेमंद साबित होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें आपके पक्ष में है और दोस्तों आप हर काम में अब्बर रहेंगे। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ खास करने वाला है। मेट्रो में सफर करते दौरान आज किसी विपरीत लिंगी शख्स से आपकी आंखें चार हो सकती है। खुद परिस्थिति में नयापन लाना फिलहाल संभव नहीं होगा, लेकिन परिस्थिति आपके खिलाफ नहीं होगी। कुछ पुरानी बातों का जिक्र होने कारण आपको मानसिक तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है और इसी वजह से आप हर एक बात को नए नजरिए से अलग नजरिए से देखने की करेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आएंगी परंतु आप अपने सहयोगियों के सहयोग से उन्हें सुलझाने में सक्षम रहेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है, सिर्फ थोड़ी सहजता रखने की जरूरत है। परिवार के साथ मनोरंजन तथा मेहमान नवाजी में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। युवाओं के प्रेम संबंध भी अधिक प्रागढ़ होंगे। इनकम बढ़ाने के लिए आप ज्यादा मेहनत करेंगे और कुछ हद तक सफल भी हो सकते हैं। माता पिता और जीवन साथी का पूरा सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। पारिवारिक जीवन खुशियों का सिलसिला बरकरार रहने वाला है। संतान की सफलता से आपकी खुशियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन के लिए समय काफी बेहतर रहने की संभावना है। जीवन साथी को अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा सफलता मिलने से आपकी प्रसन्नता में इजाफा हो सकता है। सेहत का मामला अच्छा रहने की संकेत है। आपके मन में योग व आध्यात्मिक प्रति रुचि जागृत हो सकती है। कार्य क्षेत्र में मेहनत तो बहुत करेंगे मगर परिणाम उम्मीद से कम मिलने के संकेत है, लेकिन निराशा को अपने जीवन में कतई स्थान ना दें क्योंकि इस समय किसी मित्र से आपकी आर्थिक मदद मिल सकती है। शेयर बाजार सट्टे लॉटरी आदि से अचानक कन्या राशि में धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भूमि मकान से जुड़ा बिजनेस करने वालों को भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत है। आर्थिक तौर पर इस समय आपको लाभ देने वाला साबित हो सकता है। कन्या राशि वाले आज थकान व कमजोरी रह सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति मनुकूल रहेगी। लाभ के अवसर आते आएंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति हो सकती है। धन प्राप्ति सुगम होगी। आय कहीं से अच्छी व शुभ समाचार प्राप्ति होने से मन में खुशी रहेगी। आपको आपके काम के तरीके में परिवर्तन लाना होगा। कोई ऐसा काम आपके पास आएगा जिससे आपको धन लाभ हो सकता है। अगर आप गुस्से में कोई कदम उठाएंगे तो उससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। महिलाएं आज किसी समारोह में जा सकती है।
मेडिटेशन और ध्यान में समय व्यतीत करें। आज आप गाय को हरा चारा खिलाएं, लाभकारी रहेगा। आपके लिए दिन सामान रहेगा। लेन देन और निवेश के मामलों में नई प्लानिंग करेंगे। आपके आसपास चहल पहल भी रहेगी। आपकी एकाग्रता चरम पर होगी और एक साथ कई काम भी संभालने पड़ सकते हैं। लोगों से मिलने या परिवार के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है। काम और मेहनत दोनों ज्यादा रहेंगे लेकिन आपको सफलता मिल जाएगी। दुर्घटनाएं हो सकती है इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। कारोबार में सम्मिलित लोगों को आय अधिक लाभ होगा। बच्चों की तरक्की के फलस्वरूप आय आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। आपका अपनी जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। आपके मन की सामान्य शांति के लिए घरेलू परेशानी कष्टप्रद हो सकती है। छल के प्रति सतर्क रहें। दोस्ती की आड़ में कोई दुश्मन आपके विश्वास को धोखा दे सकता है। ये समय महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों के लिए अच्छा नहीं है। निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय किसी और दिन के लिए स्थगित कर दें। आपके प्रबंधक आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। आप समय पर अपनी प्रतिबंधों को पूरा करने में असमर्थ रहेंगे। भारी भोजन करने से बचें वरना पेट संबंधी समस्याओं की संभावना बनी रहेगी। आज चिंताएं स्वास्थ्य संबंधी समस्या कारण बन सकती है। उदासीनता की प्रवृत्ति बनी रहेगी। गाड़ी चलाते और यात्रा करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता। शांत रहें और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाकर रखने का प्रयास करें। दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए ये समय अच्छा नहीं है। आज यात्राएं लाभप्रद नहीं होंगी, अतः यात्रा करने से बचें। आज अपने भाग्य पर निर्भर रहने का दिन नहीं है। आपको अपने प्रयासों द्वारा ही अपने मुकद्दर को तराशना होगा। आज आप काम के अलावा अन्य जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी लेंगे। युवा वर्ग अपने व्यक्तित्व अथवा व्यावहारिक जीवन में बेहतरीन तालमेल बनाकर रखेंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए अनुकूल रिश्ते आने की भी संभावना है। कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं परंतु अपने बजट का भी उचित ध्यान रखें। तनाव की वजह से कोई निर्णय भी गलत हो सकता है। धैर्य और शांति से समस्या का समाधान निकालें। प्रेम जीवन के लिए ये दिन अनुकूल नहीं है। दिन के प्रारंभ में शनि पंचम भाव में स्थित है और उस पर मंगल की दृष्टि है। दोनों ग्रहों का यह आपसी संबंध प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है जिससे रिश्ते में तनाव आने की आशंका। फिर मंगल के एकादश भाव में जाकर पंचम भाव पर दृष्टि डालने से रिश्ते में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। प्रेमी युगलों द्वारा एक दूसरे को ठीक से नहीं समझ पाने कारण बहुत मुश्किलें होंगी। इसकी वजह से आपसी सामंजस्य गड़बड़ सकता है। उनके बीच गलतफहमी अपन अपने की पूरी आशंका है जो गंभीर कलह कारण बन सकती है। कलह इस स्तर पर पहुंच सकती है कि संबंधों के टूटने की स्थिति भी आ सकती है। अगर रिश्ते को बचाए रखना है तो धैर्य से काम लें और शांति के साथ विवादों को सुलझाने की प्रयास करें। विवाहित जातकों के लिए समय ठीक है। विवाह जीवन साथी और पार्टनर का भाव माने जाने वाले सप्तम भाव के स्वयं बृहस्पति के छठे भाव में जाने से जीवन साथी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहने की संभावना है। दोनों के बीच तालमेल ठीक रहेगा तथा एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और यही दाम्पत्य जीवन के लिए सहारा बनेगा। दिक्कतों को दोनों साथ मिलकर सुलझाने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये तो आएगा कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आज शनिवार शनिदेव महाराज का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से शनिदेव महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो शनिदेव महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोई कन्या राशि फल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले।